गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन अवर लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस द होमोलोगस सीरीज, जिसमें एल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों सीरीज हम लोगों ने डिस्कस की थी। उन तीनों सीरीज के जो एलिमेंट्स थे उनके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट? तो उस टॉपिक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से आएंगे। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस दोनों तरीके से आ सकते हैं। आपको कंपाउंड का नाम दे दिया जाएगा और वो पूछ सकते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा या स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, या इसका जस्ट उल्टा भी हो सकता है। आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला दे दिया जाए या मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि आप कंपाउंड का नाम लिखिए, तो हम दोनों ही तरीक़ों से क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले हम प्रैक्टिस करते हैं कि हमको कंपाउंड के नाम दिए हुए हों और हमको उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो निकालना है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। एक रैंडम हमने कोई भी नेम ले दिया, प्रोपाइन, राइट? तो यहाँ पे लिखा है मैंने प्रोपाइन। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि एक चीज़ तो मुझे सबसे पहले ये देखनी है कि लास्ट में क्या लिखा हुआ है। अगर लास्ट में लिखा है YNE वाइन, मतलब कि आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कि दो कार्बन के बीच में डेफिनेटली एक ट्रिपल बॉन्ड जो है वो आएगा। तो इतना तो मुझे समझ में आ गया। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ प्रोपाइन, प्रोप का मतलब होता है मिथ, इथ, प्रो, मतलब मैं बात कर रहा हूँ तीन कार्बन्स की। तो मुझे यहाँ पे तीन कार्बन्स बनाने हैं, तो मैंने तीन कार्बन्स भी बना दिए, राइट? अब तीन कार्बन, अब मैं बात करता हूँ कि जब कार्बन तीन होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, राइट? तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 × 6, 6 − 2 = 4, मतलब कि कितने कार्बन, चार कार्बन। अब चार कार्बन कहाँ कहाँ पे आएंगे, इस कार्बन की तीन वैलेंसी फुल हो गई तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, इस कार्बन की तीन यहाँ से एक यहाँ से, तो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकता है, इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे तीन हाइड्रोजन जोड़ दिए। और इस तरीके से ये जो है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया और ये जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया प्रोपाइन के लिए, राइट? वैसे ही अब एक कोई भी दूसरा रैंडम नेम हमने लिया यहाँ पे, लेट अस टेक ब्यूटीन हियर, राइट? तो हमने यहाँ पे ब्यूटीन ले लिया। अब इसके लिए सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो होगा। तो जब मैं ब्यूटीन की बात कर रहा हूँ, दैट मींस सबसे पहले तो इन है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पे एक डबल बॉन्ड आने वाला है, तो ब्यूटीन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब ब्यूट, ब्यूट का मतलब होता है मिथ, इथ, प्रोप और ब्यूट, इसका मतलब चार कार्बन जो है वो आने वाले हैं। तो ये हो गए दो कार्बन, ये तीसरा और ये चौथा, चार कार्बन हम लोगों ने बना लिए। अब हमको हाइड्रोजन लगाने हैं, तो यहाँ पे दो वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन के लिए स्पेस है, तो यहाँ पे आ गए दो हाइड्रोजन। इस कार्बन की तीन वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है, एक ही हाइड्रोजन के लिए जगह है। इस कार्बन की दो सेटिस्फाई हो गई है, मतलब कि दो हाइड्रोजन के लिए जगह है, और इस कार्बन की पास तीन हाइड्रोजन के लिए जगह बची है। तो ये जो है ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया ब्यूटीन का। अगर मैं ब्यूटीन के मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करूं, तो इन अल्कीन्स के केस में जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n, n की वैल्यू हो गई 4, क्योंकि ब्यूट है, ब्यूट का मतलब होता है 4, 4 × 8। चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट? तो 8 हाइड्रोजन हमने बना लिए। इस तरीके से ब्यूटीन का हम सॉल्व करके उसका स्ट्रक्चर और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों हम बना सकते हैं, राइट? कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सपोज हमारे पास नेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है हेक्सेन, राइट? अब हेक्सेन के केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा होगा? अच्छा, एक चीज़ और, हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है तो हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला ही लिख के आना है, अगर स्ट्रक्चर पूछा है तो स्ट्रक्चर लिख के आना है, दोनों पूछे हैं तो हमको दोनों बनाने हैं, राइट? इस तरीके से जो फार्मूला लिखाता है उसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, राइट?
और जो स्ट्रक्चर के शेप में हम बनाते हैं बॉन्डिंग्स, उनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, राइट। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। हेक्सेन की मैं बात करूँ तो हेक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन 6। तो जब 6 कार्बन्स आ गए तो एन की जगह पे 6 पुट कर दिया, 6 × 12 = 14 हाइड्रोजन जुड़ने चाहिए। इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख लेते हैं। एन है, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, मतलब जितने भी कार्बन्स बनेंगे सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो हम लोगों ने 6 कार्बन बना लिए, सारे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करवाते हैं। इस दोनों कॉर्नर वाले कार्बन्स के पास जगह है कि वो तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तीन तीन हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बना लेंगे। जो मिडिल वाले जितने भी कार्बन्स हैं उन सब की दो दो वैलेंसी फ्री है, इसीलिए वो दो दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। और इस तरीके से ये जो है ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा। ये जो है ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा हेक्सेन का, राइट। सो सिमिलरली कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। जस्ट कुछ भी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में कितने कार्बन के एटम्स आते हैं। सपोज यहाँ पे और कुछ लिखा हुआ है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है प्रोपीन, राइट। तो प्रोपीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा बनेगा वो चीज देखते हैं। तो सिंस यहाँ पर ENE लिखा हुआ है, मतलब अल्कीन्स के केस में अगर मैं बात करूँ तो जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, राइट। तो अगर जनरल फॉर्मूला मेरे पास है CnH2n, मतलब कि और प्रोप शब्द का मतलब होता है मिथ, इथ, प्रोप, प्रोप का मतलब होता है 3। तो यहाँ पे मैंने C3H6, ये जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा प्रोपीन के लिए। अगर इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो मुझे प्रोपीन है, ENE है, मतलब दो बॉन्ड बनने चाहिए, दो बॉन्ड और तीन कार्बन। तो हम लोगों ने दो बॉन्ड बना लिए, तीन कार्बन बना दिए, सबको हमको सेटिस्फाई करवाना है। ये कार्बन दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर कर रहा है, इसकी दो वैलेंसी फ्री है तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस कार्बन की तीन वैलेंसी फुल हो रही है, एक के लिए जगह बच रही है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया और बचे हुए तीन हाइड्रोजन हैं वो इस कार्बन के साथ आ गए। तो इस तरीके से ये जो है ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा प्रोपीन के लिए, राइट। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि हमको कार्बन इसी साइड बढ़ाना है, आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कहीं पर भी कार्बन जो है वो बढ़ा सकते हो, राइट। बस आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि हर एक कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। हर एक कार्बन केवल 4 बॉन्ड्स बना पाएगा, राइट। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, ऐसा नहीं हो कि हम यहाँ पे एक और हाइड्रोजन लगा दें और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगाएं, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कार्बन की 5 वैलेंसी हो गई और हमको पता है कार्बन की वैलेंसी होती है 4, राइट। तो यहाँ से हम इस तरीके से अगर आप बना देते हो तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। हमको कार्बन की वैलेंसीज का ध्यान रखना है जब भी हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे तब, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी कंपाउंड अगर हमको दिया हुआ है तो हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इजीली बता सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। द नेक्स्ट वुड बी, मैंने मान लिया हेप्टीन, राइट। हेप्टीन है या एक काम करते हैं इसको हेप्टाइन ले लेते हैं। तो हम लोगों ने मान लिया कि हेप्टाइन है। तो सबसे पहले तो हेप्ट का मतलब होता है दैट इज नंबर ऑफ कार्बन जो है मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेग्स और हेप्ट। हेप्ट का मतलब होता है 7, दैट इज 7 कार्बन आने चाहिए। तो ये 7 कार्बन मैंने बना दिए। इसके अलावा YNE लिखा हुआ है, YNE का मतलब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो मैंने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, राइट। इसका जनरल फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो आयन का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। N की जगह पे 14 पुट कर देंगे, N की जगह पे 7 पुट कर देंगे तो हमारे पास H की वैल्यू आ जाएगी 14-2 would be
16, राइट? तो C7H16 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हेप्टाइन. अगर इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की मैं बात करूं, तो इस कार्बन, ये कार्बन के साथ तीन बॉन्ड यहाँ पे बन गए, एक बॉन्ड यहाँ पे बना लिया. इस कार्बन के चार वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, इसकी दो सेटिस्फाई हो गई, दो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे. सिमिलरली बीच वाले जितने भी हैं सबके साथ दो दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, और जो लास्ट वाला कार्बन है उसकी तीन वैलेंसी बची है तो तीन हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे, राइट? तो इस तरीके से जहाँ जहाँ पे बच रही है स्लॉट्स वहाँ पे मैंने हाइड्रोजन जो है वो लगा दिए, लाइक दिस. सो लाइक इन दिस वे जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गया. ये जो है ये स्ट्रक्चर है हेप्टाइन का, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, चार पाँच छः सात, सात कार्बन और सोलह हाइड्रोजन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह सात दूनी चौदह, ओके सेवन टू जॉ फोर्टीन, फोर्टीन माइनस टू वुड बी ट्वेल्व, राइट? तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन आ गए, ट्वेल्व. तो C7H12 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ हेप्टाइन. तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो हम उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, मतलब कि अगर मुझे कंपाउंड का नाम दिया हुआ है तो मैं इजीली उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो बना सकता हूँ, राइट? अब इसी का जस्ट उल्टा भी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाए और उसका कंपाउंड का नाम पूछा जाए, राइट? फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से मुझे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है और मुझसे पूछा गया है कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, राइट? तो मैं कैसे इस कंपाउंड का नाम निकाल सकता हूँ, सबसे पहले तो वो देखते हैं. तो सिंस यहाँ पे कार्बन के छः एटम्स हैं, राइट? तो जब कार्बन के छः एटम्स हैं इसका मतलब ये जो है वो हेक्स होगा डेफिनेटली. अब हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं वो देखते हैं. तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ये हेक्सेन हो सकता है या हेक्सीन हो सकता है या हेक्साइन हो सकता है, तीनों में से कोई एक ही होगा डेफिनेटली. तो सबसे इजी तरीका हम तीनों निकाल के देख लेते हैं. एन के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इन के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n, और आइन के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n-2. तीनों निकाल के देख लेते हैं, वो सबसे इजी तरीका होगा. एन की जगह पे मैंने यहाँ पे 6 पुट किया, तो जब मैंने यहाँ पे 6 पुट किया तो ये हो जाएगा C6H14, 6 दुनी 12 और 2 14, यहाँ पे आ जाएगा C6H12, यहाँ पे आ जाएगा C6H12-2, दैट वुड बी 10. तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ से आ रहा है, मतलब कि ये किसका फॉर्मूला है, आइन का. तो ये जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया हेक्साइन का, राइट? तो इस तरीके से मैं सिंपली बता सकता हूँ कि अगर मुझे कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है तो उस कंपाउंड का नाम क्या होगा वो चीज़ मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ जस्ट बाय नोइंग द जनरल फॉर्मूला. अच्छा, ये तो बात हो गई जब हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो सकता है कि हमको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हो और उसके बेसिस पे हमसे जो नेमिंग है वो पूछी हो, राइट? मान लेते हैं कि एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका जो नेम है वो क्या होगा, राइट? तो मुझे इसका, इस कंपाउंड का नेम जो है वो बताना है. कैसे बता सकता हूँ? सबसे पहले तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब डेफिनेटली EnE होने वाला है, राइट? और कुछ नहीं है, केवल आप कार्बन के नंबर देख लो. तो कितने कार्बन हैं यहाँ पे, यहाँ पे हैं 5 कार्बन. तो चूंकि यहाँ पे 5 कार्बन हैं तो हमने लिख दिया सिंपली बिना सोचे समझे पेंट. तो ये फॉर्मूला हो गया पेंटीन का. तो अगर मॉलिक्यूल, अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की हेल्प से निकालने के लिए आता है तो कुछ भी नहीं देखना है, केवल बॉन्ड देख लिया. अगर डबल बॉन्ड है तो डेफिनेटली इन, और नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लिए. अगर 5 कार्बन है तो पेंटीन, 6 है तो हेक्सीन, 7 है तो हेप्टीन, 8 है तो ऑक्टीन, राइट? तो इस तरीके से आप सिंपली बता सकते हो स्ट्रक्चर देखकर कि कंपाउंड का नाम जो है वो क्या होगा. कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं इस तरीके के.
तो एक कंपाउंड हमको दिया हुआ है, मतलब उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमको दिया हुआ है, हमको पता लगाना है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सॉरी इसका नेम जो है, इसका बॉटनी इसका इस कंपाउंड का नेम जो है वो क्या होगा। तो नेम निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली बात है ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब डेफिनेटली वाइन ही आने वाला है। चार कार्बन्स हैं, तो मिथ इथ प्रो ब्यूट, तो ये जो है ये फॉर्मूला हो जाएगा ब्यूटाइन का, राइट। जब चार कार्बन्स होते हैं तो इट मीन्स दैट इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटाइन। तो इस तरीके से आप सिंपली स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि कंपाउंड का नेम जो है वो क्या होगा, राइट। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में तो काफ़ी इजी है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये एक कंपाउंड दिया हुआ है, हमको बताना है कि इसका इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, राइट। तो सिंस सबसे पहले तो यहाँ पे सात कार्बन है, सात कार्बन है, इसका मतलब क्या, आई एम टॉकिंग अबाउट हेप्ट, राइट। मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेग्स और सेवन मतलब हेप्ट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हेप्ट। अब तीनों के लिए वेरीफाई कर लेते हैं, अल्केन के लिए, अल्कीन के लिए और अल्काइन के लिए। तो अल्केन में आपको पता है कि इसके डबल से प्लस टू होता है, राइट। H2N प्लस टू चलता है, मतलब मैं इसका डबल कर दूं और उसमें टू ऐड कर दूं, तो 7 × 2 = 14 और 14 और 2 = 16, मतलब कि ये क्या है, हेप्टेन है, राइट। अगर यहाँ पे होता 14 तो हमको पता है कि CnH2N किसका फॉर्मूला होता है, इन का, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता, हेप्टीन। अगर ये इसके डबल से दो कम होता, मतलब कि 7 × 2 = 14 से दो कम, मतलब अगर H12 होता तो ये हो जाता सिंपली हेप्टाइन। तो इस तरीके से आप इजीली कोई भी फॉर्मूले जो है वो बनाकर हम उन कंपाउंड का नाम जो है वो लिख सकते हैं, अगर हमको उनका फॉर्मूला पता है तो, राइट। सिर्फ 10 तक हमको वो सीरीज याद करनी है, आई एम राइटिंग दैट सीरीज ओवर हियर सो दैट यू कैन इजीली जस्ट लर्न इट। सो ये जो है यहाँ से डेफिनेटली दो नंबर के दो क्वेश्चंस बनेंगे, तो उसमें से पॉसिबिलिटी है कि या तो दो नंबर में या पूरे चार नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चूँकि इसके बाद के टॉपिक्स जो हैं वो ओमिट हो चुके हैं, सिर्फ यहाँ तक हमको पढ़ना है। इसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं या इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब ओमिटेड हैं, वो हमको नहीं पढ़ना है, सिर्फ यहाँ तक हमको पढ़ना है। इसमें भी दो या तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ हमको पता होनी चाहिए, कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़, कार्बन की टेट्रावेलेंसी के बारे में हमको पता होना चाहिए, एंड द फोर्थ वन इज़ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर, राइट। उसमें से भी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है इस टाइप के क्वेश्चंस के आने की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू शुड जस्ट नो इट। और कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ ये सीरीज पता होनी चाहिए, राइट। सबसे पहले होता है मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेग्स हेप्ट ऑक्ट नैनो और डेका। मिथ का मतलब वन, इथ का मतलब दो, प्रॉप का मतलब तीन, ब्यूट का मतलब फोर, पेंट का मतलब फाइव, सिक्स मतलब हेप्ट सॉरी हेग्स, सेवन मतलब हेप्ट, एट मतलब ऑक्ट, 9 मतलब नैनो और 10 मतलब डेका। तो सिर्फ हमको ये सीरीज पता होनी चाहिए सो दैट हम इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला सब कुछ हम निकाल सकते हैं, जस्ट हमको कंपाउंड के बारे में पता होना चाहिए कि उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं। अगर मुझे उसके नंबर ऑफ कार्बन्स पता हैं तो मैं ईजीली इन जनरल फार्मूलों की हेल्प से निकाल सकता हूँ कि उसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स जो हैं वो आएंगे, राइट। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इजीली हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और जब मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा तो स्ट्रक्चरल फार्मूला भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये फार्मूला है अल्केन का, ये है अल्कीन का और ये है अल्काइंस का, राइट। अल्केन में आते हैं सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में आते हैं डबल बॉन्ड, अल्काइंस में आते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो बस ये दो तीन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है,
एंड यू विल बी एबल टू गेट द फुल मार्क्स फ्रॉम द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक दैट विल बी आस्क्ड फ्रॉम हियर राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है इस चैप्टर का. सो यू नीड टू प्रिपेयर दिस पार्ट फ्रॉम हियर. सो हेंस अवर चैप्टर इज कम्प्लीटेड नाउ. इसके बाद के टॉपिक्स हम लोगों को नहीं करने हैं. From our next class, we are going to start our new chapter, that is the periodic classification of elements, right? जो periodic table हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, atomic numbers हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वो periodic table ऐसी नहीं बन गई है. उसके पीछे बहुत सारे scientists ने बहुत सारे calculations किए हैं, बहुत सारे logics लगाए हैं, और तब जाके वो periodic table जो है वो बनी है. तो हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं उस टेबल तक हम लोग कैसे पहुँचे, किस तरीके से, कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या अप्रोच यूज़ किया टू रीच दैट पीरियोडिक टेबल दैट वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर राइट. सो वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स. फ्रॉम अवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. थैंक यू.